हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है छोटी होली और दोपहर के बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं कुकिंग करने एंड होली की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग कुक करेंगे, हमने डिसाइड किया हमें क्या क्या बनाना है, तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और इसी के साथ इस व्लॉग को हम स्टार्ट करते हैं। सो आप सभी को हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू गाइज, मेरी एंड मेरी फैमिली की तरफ से आप सभी के लिए हैप्पी होली। और आगे का व्लॉग हम कंटिन्यू करेंगे। व्लॉग आपको हमारा अच्छा लगे और बहुत पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना हमारा स्पेशल होली व्लॉग। तो चलिए हम बनाने जा रहे हैं इस टाइम पे कचौड़ी। सारी प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो चलते हैं किचन की तरफ। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं आलू की कचौड़ी का जो मटेरियल होता है उसको हम तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे मेरी दीदी ने मटेरियल तैयार किया था। इतनी देर में मैंने कचौड़ी का आटा लगा के रेडी कर लिया था। फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी किया क्योंकि फिर गुड़िया भी ना थोड़ा सा तंग कर रही थी, परेशान कर रही थी, तो जल्दी जल्दी सारी चीज़ें कुक की थी, तो इसलिए मैंने फास्ट मोड पर वीडियो को कर दिया है जिससे आप बोर ना हो। तो हम बना रहे हैं यहाँ पे कचौड़ी और बाहर से बहुत ज़्यादा साउंड की आवाज़ आ रही है जैसे कि आप सुन सकते हैं वीडियो में, और वीडियो में थोड़ा सा मैसअप हो तो प्लीज़ इग्नोर कर देना क्योंकि होली का टाइम है और गेट के बाहर डीजे लगा हुआ है। तो अभी हम बना रहे हैं कचौड़ी और कचौड़ी की प्रिपरेशन मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे कचौड़ी बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो हम लोग होली पे ही खाने में कचौड़ियाँ बनाते हैं, पूड़ी सब्जी वगैरह नहीं बनाते क्योंकि कुछ कोई लोग खाते भी नहीं है। तो यहाँ पे जो मेरी सिस्टर है लोग वो कचौड़ी को फिल कर रही है, छोटी वाली सिस्टर पूड़ियाँ बेल के दे रही थी और देवरानी सेक रही थी, और मैंने मम्मी के साथ दही बड़े बनवाए थे। तो इस तरीके से हम लोगों ने मिलजुल कर काम किया था, तो पता ही नहीं चला इतनी सारी चीज़ें बनाई थी, लेकिन कुछ पता नहीं चला जब फैमिली के सारे लोग मिल के फेस्टिवल पर काम करते हैं ना, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो यहाँ पर हमारी गरम-गरम कचौड़ियाँ बन के रेडी हैं। सो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो इस तरीके से हमारी कंप्लीट हो जाती है कचौड़ी। तो यहाँ पे मम्मी कर रही हैं दही बड़े की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया मम्मी ने। यहाँ पे काली मिर्च डाली है इसमें, थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, और ये है धुली हुई उड़द की दाल है ना मम्मी, उड़द की दाल है और दही बड़े की तैयारी हो रही है। अभी दही बड़े बनाएंगे। मम्मी ने दही को फेंट के उसमें मसाले मिक्स करके रख दिए हैं, बस इसको बनाना और फ्राई करना रह गया है। तो यहाँ पे मम्मी अपने हाथों से दही बड़े बना रही हैं क्योंकि मुझे दही बड़े बनाने नहीं आते हैं। जिस तरीके से मम्मी अपने हाथों से बना रही हैं तो मम्मी बना रही थी और मैं सेक रही थी। इस तरीके से हम लोग ने अपने दही बड़े बनाए थे होली के लिए, एंड होली पे दही बड़े बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं, एंड चटपटी करके बनाओ तो और ही मज़ा आता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने दही बड़े बना लिए थे। दही फुल्की बनाई थी और सॉल्ट भी बनाई थी मीठी वाली, वो मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फाइनली हमारे दही बड़े बन के रेडी है एंड इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट चीज़ बनाएंगे। तो चलिए आगे का व्लॉग हम कंटिन्यू करते हैं। किचन में, और किचन में मम्मी बना रही है पूजा की, होली पूजन की पूड़ी और जो होली पूजन की गुजिया होती है ना शगुन की, वो बना रही है मम्मी, और मैं दिखाती हूँ आपको मम्मी। तो मम्मी हमारे यहाँ पे पूजा का सामान बना रही हैं और हम लोग बनाने जा रहे हैं दूसरी किचन में कचौड़ी, और मम्मी हमारे पूजा की चीज़ें बनाएंगी और पापड़ तलेंगी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो ये मम्मी बना रही है होली पे जो पूजने जाएंगे उसके लिए पूड़ी बनेंगी, पापड़ निकाल दिए थोड़े से पापड़ क्योंकि सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी हम लोग बनाने वाले हैं, और ये गुजियों में भरने वाले हैं गुड़ क्योंकि हमारी तरफ गुड़ की गुजिया बनती है पूजा के लिए, और यहाँ पर मम्मी बना रही है। अभी हमारा खाना पीना बन चुका है, कचौड़ी बन गई है, और खाने में हम लोग सिर्फ कचौड़ियाँ ही बनाते हैं। सो कचौड़ी बन चुकी है, दही बड़े बन चुके हैं, और मीठी सोट भी बन गई है, और पूड़ी की जो भी तैयारी थी वो मैंने आपको दिखा दी थी। और इसी के साथ हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठे हुए हैं क्योंकि बाबू ना थोड़ा सा परेशान कर रही थी, और बाबू को दूध पिला रही हूँ इस टाइम पे। और इसके बाद हम बनाने जा रहे हैं रंगोली और होली पूजन, जहाँ होगा जहाँ पे होली चलती है वहाँ पे होली रखी जाएंगी। तो अभी हम लोग बनाएंगे रंगोली और थोड़ी देर में आपको दिखाती हूँ रंगोली हम बनाएंगे। इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे साउंड ना दरवाजे के पास ही लगे हुए हैं तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, तो गुड़िया सो नहीं पा रही है अच्छी तरीके से, सो डिस्टर्ब हो रही है क्योंकि उसकी फर्स्ट होली है इसलिए। और तो चलिए मैं आपको रंगोली दिखाऊंगी और जो भी हमारा काम होगा मैं आप लोगों के साथ थोड़ा थोड़ा शेयर कर दूंगी क्योंकि कैमरे लेके घूमना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि जल्दी जल्दी सारे काम करने पड़ते हैं, बट मैं आप लोगों के साथ शेयर। शोना क्या कर रहे हो? आज हैप्पी होली है, छोटी होली, आपकी फर्स्ट होली है ना, आपकी प्यारी सी पिचकारी आई है, मैं अभी सबको दिखाऊंगी ठीक है। चाचा जी प्यारी सी पिचकारी लाए हैं अपनी डॉल के लिए,
तो गाइज यहाँ पे ये खेल रही है और बहुत ऐसे मैंने नहीं लिया था तो इसलिए रो रही थी, थोड़ा सा दूध दूध पिला दिया तो थोड़ा शांत हो गई है और यहाँ पे अभी खेल रही है। अभी मैं इसकी पिचकारी भी दिखाऊंगी आपको, इनके चाचू पिचकारी लेकर आए हैं, छोटी सी पिचकारी, छोटी सी नहीं है एक्चुअली, इसके लिए तो काफ़ी बड़ी है वो, बड़ी यूज़ भी नहीं करेगी लेकिन उनका माने ही नहीं, मन था लाने का तो वो लेकर आया, एक फ़ोटो शूट हो जाएगा, फ़ोटो क्लिक कर लेंगे बस, बहुत है इसके लिए। सो हैप्पी होली बोलो, हैप्पी होली गाइज। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे रंगोली बनाना स्टार्ट कर दिया था और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, होली पूजन भी मतलब होली भी रखी जाती है हमारे आंगन में, तो काफ़ी लेट हो गया था हम लोगों को, तो रंगोली बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम, आई थिंक 2-2.5 घंटे तो लग ही जाते हैं। मेरी सिस्टर इन लोग बनाती हैं रंगोली, लेकिन मैं थोड़ी सी हेल्प करा देती हूँ, थोड़ी बहुत हेल्प करा देती हूँ, लेकिन बहुत अच्छी रंगोली बनाती हैं, आप ट्रस्ट करोगे, जब फाइनल जब बन जाएगी तब देखना, बहुत ही अच्छा लुक आया था, कलर बहुत ज़्यादा उभर के आए थे। तो ये हमारी फाइनल रंगोली है और आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको पसंद आई या नहीं। ये दीदी ने बनाई है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर लगी थी। तो यहाँ पे हमारी होली की पूजा हो रही है, जो हमारे घर में होली रखी जाती है, छोटी सी छोटी होली होती है वो रखी जाती है, तो उसकी पूजा कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे हैं एंड हम लोगों ने बस हाथ जोड़ लिए थे, उन्होंने जो भी प्रसाद पूछते हैं वो इस तरीके से किया। और उसके बाद ये शाम का टाइम आई थी, 7:30 बजे पूजा हुई थी और रंगोली हमारी कंप्लीट हो चुकी थी, और उसके बाद हम लोग ये मॉर्निंग में जलाते हैं छोटी होली एंड सबसे पहले बड़ी होली जलती है बाहर जो रखी जाती है सोसाइटी में एंड फिर उसके बाद घर में जलाई जाती है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बड़ी होली पे। तो चलिए आगे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे हम बना रहे हैं मीठी सोंठ, जिसे हम दही बड़ों में खाते हैं और पानीपुरी के साथ खाते हैं, काफ़ी चीज़ों में यूज़ होती है। तो यहाँ पे सिस्टर इन लोग बना रही थी और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, बिलीव करोगे, आई थिंक ये हमने बनाई थी 10 बजे। हम आ गए हैं किचन में और किचन में देखो ये बहुत टेस्टी बनती है, अभी दीदी ने थोड़ा सा टेस्ट कराया था हम लोगों को और दीदी अकेले ही बना रही है, हम लोगों को नहीं आने दे रही किचन में। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कढ़ाई में बन रही है मीठी पूड़ी, इधर से दिखाओ, तो यहाँ पे ये दीदी ने मीठी पूड़ी बनाई थी, मतलब मटरी टाइप की होती है, थोड़ी सी स्वीट होती हैं लेकिन बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं खाने में। तो उन्होंने अकेले ही बनाई थी, इसमें हम लोगों ने हेल्प नहीं की थी उनकी, क्योंकि उन्होंने बोला सिम गैस पे इसको फ्राई करना है तो फिर मैं खुद ही बना लूँगी, मतलब मैं कर लूँगी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, इसलिए उन्होंने बना ली थी, 1 घंटे में बन गई थी और बहुत टेस्टी बनी थी, मैं आपको बता नहीं सकती इतनी अच्छी बनी थी कि क्या ही बताऊँ। और इसी के बाद दीदी ने बनाए थे एक स्वीट डिश बनाई थी दीदी ने, ये रात की बनाई थी आई थिंक 12 बजे, कस्टर्ड के साथ, मतलब जिसे रसमलाई होती है उसी तरह के, कि ये मलाई रोल बनाए थे दीदी ने, बहुत टेस्टी बने थे, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने होली वाले दिन दोपहर में खाना खाने के बाद खाया था मीठे में, तो बहुत टेस्टी लगे थे, पर्सनली मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और दीदी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती हैं, उनको इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिव है वो, कुछ अलग अलग नया नया बना के खिलाती रहती हैं हम सबको, सो बहुत ही अच्छी थी ये सारी चीज़ें दीदी ने बनाई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे मलाई रोल रेडी हैं, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको दीदी के हाथ के ये मलाई रोल कैसे लगे। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे और ये फ्रिज में एकदम ठंडे ठंडे थे ना, तो खाने में अलग ही मज़ा आ रहा था। एवरीवन वेलकम बैक, और अभी रात के बज रहे हैं 11:30, हमारा खाना पीना हो चुका है, जस्ट अभी फ्री होके मैं बेडरूम में आई हूँ थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए एंड काफ़ी सारी चीज़ें बनी थी, बहुत सारी डिशेज बनी थी, तो मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप्स अभी की ले ली आप लोगों को दिखाने के लिए। सो अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, गुड़िया को सुला दिया है, उनकी गुड़िया की छोटी मम्मा ने उसको सुला दिया है, वो दोनों सो रहे हैं और हम लोग 2-4 लोग अभी जाग रहे हैं, मम्मा जाग रही हैं, सासू माँ और सिस्टर लोग भी जाग रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा सा काम है जो एक दो चीज़ें पेंडिंग हैं वो कर लेंगे और उसके बाद हम लोग रेस्ट कर लेंगे, क्योंकि 4 बजे का होली का दहन होगा, होलिका में जो आग लगती है वो होगा, होली जलेगी, सो इसलिए हम थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि 4 बजे उठ के फिर हम लोग को जागना पड़ेगा और फिर पूरा दिन ऐसे ही निकल जाएगा। सो आई होप आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये रेविका की हमारी फर्स्ट होली है, तो उसको हम अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे एंड चलिए अभी के लिए बाय बाय, हम लोग रेस्ट कर लेते हैं।